US dolar टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल के तहत, वो है आपका कंप्यूटर वायरस। क्या मेरे टॉपिक का जो नाम है वो है मेरे टॉपिक का नाम कंप्यूटर वायरस। ठीक है, देखो एक्चुअली कंप्यूटर वायरस के अगर हम टॉपिक पे घुसें तो इस पे एक बुक लिखी जा सकती है, क्योंकि कंप्यूटर वायरस का जो एरिया है बहुत बड़ा है और जो हिस्ट्री है वो भी बहुत बड़ा है। तो बात अगर हम करेंगे कि अगर कंप्यूटर वायरस को हम कम्प्लीटली तुमको एक लेक्चर में कंप्लीट कर दें तो ये संभव नहीं है बच्चे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक ज्ञान मिल सके कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। देखो सबसे पहला चीज है कि नोट्स के तरफ हम लोग बाद में जाएंगे, पहले ध्यान से सुन लो कि व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, एक्चुअली इट इज ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो है एक सॉफ्टवेयर ही है। तो बात आता है कि सॉफ्टवेयर है तो इसको वायरस क्यों कहा गया है। तो देखो रियल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, वायरस, जैसे कि COVID-19 इज ए वायरस। तो वायरस मतलब जो कि किस शरीर के अंदर तो है लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। तो अगर कोई बुरा काम करता है मतलब शरीर को हार्म पहुंचाता है, तो उसी चीज को क्या कहने लगते हैं अपन, वायरस कहते हैं। तो वायरस वर्ड इसलिए इस सॉफ्टवेयर को दिया गया है क्योंकि इसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं आपके मदद करने के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए, मतलब ह्यूमन के काम को आसान करने के लिए, क्या उसके डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो मतलब सब कुछ जो है हमारे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर के लिए बनाया गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे हार्मफुल सॉफ्टवेयर का तो उसे अपन लोग वायरस कहते हैं, क्योंकि हर जगह पे देखो इंसान ही दोनों तरह के हैं ना। इंसान हमारे लाइफ में जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जैसे कि अच्छे इंसान हो गए अच्छे अच्छे काम करते हैं, बुरे इंसान हो गए तो समाज में बुराइयां फैलाने का काम करते हैं। तो दोनों है तो इंसान ही ना। दूसरी तरह से सॉफ्टवेयर भी जो है कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर वो दो तरह का है, एक है तुम्हारे हेल्प के लिए, दूसरा हो गया ये जो तुम्हारे परेशानी के लिए बनाया गया है। दोनों को बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्रामर ही है, बट एक प्रोग्रामर है जो अच्छे कामों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, तुम्हारे मदद के लिए बनाता है, और एक प्रोग्रामर है जो डिस्ट्रैक्टिव है, जस्ट सिंपली रियल लाइफ के आतंकवादी। उसी तरीके से कंप्यूटर वर्ल्ड के जो भी प्रोग्रामर हैं वो प्रोग्रामर्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टिव माइंड के हो जाते हैं और डिस्ट्रक्शन पे उतारू हो जाते हैं। तो अब उनका हथियार जो है सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किस रूप में यूज हो रहा है, किस नाम से यूज हो रहा है, वायरस के नाम से यूज हो रहा है। जो अच्छा अच्छा काम करने के लिए बना है सब बड़ा बुरा बुरा काम करने लगेगा। जितनी अच्छाइयाँ कंप्यूटर में आपने देखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, आप सब उसमें जो है उसका जो है उल्टा कर दो, वो हो जाएगा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। जो कंप्यूटर का गुण है उसका सीधा विपरीत कर दिया जाए तो वो गुण हो जाएगा किसका, वायरस का। कंप्यूटर जो जो चीज करता है कंप्यूटर वायरस उस चीज को सीधे उलट देने के लिए बना हुआ होता है। जैसे कंप्यूटर में जो है आपको सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, तो जो जो करता है उसको उलट दो और वो सारा चीज तुमको कंप्यूटर वायरस करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोवाइड इजी इंटरफेस टू को वर्क विथ एनी एनवायरमेंट। मतलब कहने का मतलब है कंप्यूटर आपको एक इंटरफेस देता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के टास्क कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें ये कर सकता है। अब वायरस क्या करेगा, ये सारी चीजें आपको करने नहीं देगा। आप पढ़ रहे हो, पता चलेगा बीच में ही कोई वेबसाइट खोल कर रख दिया, ठीक है, अब वो वेबसाइट क्या है, मान लो फेसबुक खोल कर रख दिया, तो पढ़ाई से आपको डाइवर्ट कर दिया। ये तो छोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लेवल पे जब बात आएगा तो और बड़ा बड़ा बात हो जाएगा। मतलब ये हार्म करना है, इस सॉफ्टवेयर का टारगेट हार्म करना है। दूसरा पार्ट, कभी भी जो है इलीगल चीजें सामने आके नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर अपन लोग इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब हम वायरस की बात करेंगे उसको अपन लोग इंस्टॉल नहीं करते, वो चुपचाप करेगा। वो जो भी करेगा क्या करेगा, चुपचाप करेगा, क्योंकि चोर कभी जोर से नहीं बोलता है और सामने आके काम नहीं करता है। उसी तरीके से ये तुम्हारे वायरस जो है वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिसके अंदर ये गुण होगा कि वो क्या हो जाएगा, छुपा हुआ होगा, वो छुपा रहेगा, वो छुप के काम करेगा, वो चुपचाप काम करेगा, साइलेंट मोड में काम करेगा,
नुकसान तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो काम करेगा तरीका होगा वो पब्लिकली नहीं होगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, यूजर को पता नहीं चलेगा कि आप वायरस काम कर रहा है और वायरस अपना काम कर चुका होगा या वायरस अपना काम कर रहा होगा, जो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो वायरस में कुछ इतनी सारी चीजें हैं। दूसरा चीज होता है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से इंसान की बात अगर हम करेंगे तो टीचिंग एक सिस्टम है जो ओपनली चलता है, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और क्या करते हैं फ्यूचर में अपने जैसे या अपने से बेहतर इंसान क्रिएट करना चाहते हैं। सारे एजुकेशन सिस्टम में यही है। पुलिस क्या करता है भाई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे क्या होता है, पुलिसियों को ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब सिक्योरिटी के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी ट्रेनिंग करने के लिए क्या है ना, सब खुल के किया जाता है। लेकिन अब एक और बहालगुण क्या है, ऐसा तो क्यों हो कभी भी कि जो है कोई भी आतंकवादी का सेंटर कहीं भी खुल जाए, या अगर मान लो समाज में कोई कुरीति करने वाला कोई भी हो, चोरी कर रहा है, तो चोरी खुल के किसी स्कूल में सिखाया जाता है और कितना रुपया तो हम तुमको चोरी सिखाएंगे, तो वो क्या करता है, चोरी छुपे अपने आप को फैलाता है। तो चोरी छुपे फैलाता है, वही गुंजाइश तुम्हारे वायरस में भी होता है। ये ओपनली स्प्रेड नहीं होता है, ये क्या होता है, साइलेंटली स्प्रेड होता है। और ये स्प्रेड करने के लिए इसे कोई गुण नहीं दिया गया, इसे कोई नाम नहीं दिया गया है इसके स्प्रेडर को, ये सेल्फ स्प्रेडर हो गया है। सेल्फ स्प्रेडर मतलब इसमें एक गुण है सेल्फ रेप्लिकेशन का। सेल्फ रेप्लिकेशन करने का मतलब एक कंप्यूटर में अगर वायरस आया तो वो उसका कॉपी बना करके दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में, चौथे कंप्यूटर में, पांचवें कंप्यूटर में, एक सॉफ्टवेयर एक वायरस अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। जहां अगर कि हमने जो है सॉफ्टवेयर में ये गुण कभी डाला ही नहीं है, डाला जा सकता है लेकिन हमने नहीं डाला है। क्यों डालूंगा भैया, जिसको काम होगा वो ओपनली हमसे मांग लेगा, जहां भी हमारा सोर्स है वहां से ले लेगा। तो क्योंकि ये यूजफुल चीजें हैं हमारे सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर में एमएस वर्ड है, तुम पेन ड्राइव घुसाओ इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तुम अपने कंप्यूटर में घुसाओ उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो एमएस वर्ड इसलिए थोड़ी हम बनाए हैं कि सब जगह अपने आप इंस्टॉल हो जाए भैया, उसके लिए तो हम पैसा लेते हैं तुमसे तब जाके तुमको देते हैं। तो इसलिए सेल्फ रिप्लिकेशन किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, लेकिन जब वो वायरस की बात होती है उसको कोई पर्पस थोड़ी करेगा, तो उसको एक मीडियम चाहिए ना कि जो है हर कंप्यूटर में उसको पहुंचाया जा सके। तो इसलिए वो वायरस वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में एक गुण होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग का, वो अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब एक से दो, दो से चार, चार से पांच, पांच से 16, ऐसे ही अपने आप को वो क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर और वायरस में जो मेन डिफरेंस है, पहला वो ये है कि एक बना है अच्छे कामों के लिए, एक बना है बुरे कामों के लिए, मतलब हार्म करने के लिए बना हुआ है। दूसरा है सॉफ्टवेयर कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग बनाया ही नहीं जाता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इस चीज का, हम सेल्फ रिफ्लेक्टिंग क्यों बनाएंगे, जिसको जरूरत है वो ले लेगा। लेकिन वायरस को कभी भी बनाया जाता है तो उसका मेन टारगेट होता है सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। दूसरा चीज होता है सेल्फ कॉपीइंग, सॉफ्टवेयर अपने आप को सेल्फ कॉपी नहीं करता है, अपना दूसरा कॉपी नहीं बनाता है, लेकिन जो एंटीवायरस वायरस होगा वो अपना कॉपी जरूर क्रिएट करेगा, ये है सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। सॉफ्टवेयर बिना यूजर के पूछे कभी भी ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा, लेकिन वायरस यूजर से पूछ के काम करेगा तो तुम उसको काम करने दोगे, यूजर वो बीच में भी आके डूम करेगा, सुनो ना हम आपका हेलो यूजर आई वॉन्ट टू ट्राई टू डिलीट योर सी ड्राइव, कैन आई डिलीट इट, तो यूजर क्या उसको ओके करके देगा, संभव ही नहीं है। इसलिए अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो जाएगा सी ड्राइव को डिलीट कर देगा, डी ड्राइव को डिलीट कर देगा, उसके किसी स्पेसिफिक फाइल को डिलीट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन का गुण होता है तुम्हारे वायरस में, जबकि ये सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। जनरली जो बनाया गया है सॉफ्टवेयर को उसका एक ही मकसद है, सॉरी वायरस को, उसको बनाने के पीछे मकसद है पैसा कमाना या तो नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचाना जनरली कोई मतलब नहीं होता है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए, जनरली जो ये वायरस बना था वो भी पैसा कमाने के मकसद के लिए ही बना था। जैसे कि मान लो मेरे में एक फाइल है जिसमें करोड़ों का इंफॉर्मेशन है और कोई प्रोग्राम उसको क्या कर देता है ना, करप्ट कर देता है। अब करप्ट कर देगा तो हम अगर पढ़ेंगे तो हम तो पता करेंगे भैया इसको कौन करप्ट कर दिया, आप उसको कहेंगे अरे यार इसको ठीक कर दो, जो पैसा ले लोगे ले लो। अगर एक करोड़ का है तो उसमें से 5 लाख रुपया उसको आराम से दे देंगे। तो वायरस बनाने का भी मेन मकसद यही होता है। वो जनरली देखो जो स्पेशली किसी प्रोग्रामर के द्वारा टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया गया है, टारगेटेड यूजर के लिए बनाया गया है, वो जो करेगा वो पैसा कमाने के लिए करेगा, उसका मकसद तुम्हारा नुकसान नहीं है,
उसका मकसद अपना मुनाफा है पहले, तो अगर वो तुम्हारे कंप्यूटर को डिलीट कर देता है तो उसका कोई मुनाफा नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा लेकिन उसका कोई मुनाफा नहीं है। तो इस टाइप के वायरसेस बहुत कम बनाए जाते हैं। अब अगर वो मान लो जैसे कि रियल लाइफ से ही ले लो, अब दो तरीके की बात होती है, कोई अगर किसी का किसी के साथ दुश्मनी ना हो तो इज इट पॉसिबल कि क्राइम हो? मतलब अगर कहते हैं कि रोड चलते किसी ने किसी को गोली मार दिया, क्या भाई बिना मतलब का हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल, संभव है? कहीं ना कहीं तो उसके जड़ में कुछ होगा, या तो जिसके साथ हुआ है, जिसने किया है, उसके बीच में ही कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कोई लस्ट एक दूसरे के साथ उसी का हो। तो दो बातें हैं, या तो क्या किया जाता है, इकोनॉमिकल है तो फिर क्या है, देखो क्योंकि सामने वाले को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना तो कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रॉय कर दिए अगर तो फिर उसको मुनाफा क्या होगा? मुनाफा के नाम पे तो जीरो। लेकिन अगर वो सिंपली दूसरा क्राइम का टेक्निक जो है किडनैप कर लो, चोरी कर लो, तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा ना। तो देखो डिस्ट्रॉय करने वाला जो टेक्निक होगा वो क्यों होगा? अगर डिस्ट्रॉय कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है किसी डाटा को तो उसका एक ही मतलब है कि उसको ये प्रोग्राम बनाने के लिए दिया गया है और उसको किसी ने तब हायर किया है, क्योंकि वो उसको तो कोई मतलब नहीं है ना। कोई थर्ड पार्टी किसी को क्यों आकर के जो है क्या करते हैं, अपना परेशानी बढ़ाने के लिए किसी का मर्डर करे? थर्ड पार्टी क्यों करेगा ये काम? तो वही बात है, जब तक कोई लस्ट नहीं होता है तो थर्ड पार्टी को क्या किया गया, हायर किया गया, उसे किसी ने तो फाइनेंस किया, उसके एवज का रिजल्ट था कि डिस्ट्रॉय किया गया सामने वाले को। नहीं तो डिस्ट्रॉय क्यों किया जाएगा? अब डिस्ट्रॉय किया गया तो किसी खास मकसद से डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी चीज को। जैसे कि डिस्ट्रॉय करने की बात की जाए तो मान लो कि मार्केट में जो है एमएस वर्ड बहुत चल रहा है, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि एमएस वर्ड जिसके कंप्यूटर में होगा उसमें एमएस वर्ड को हम नहीं चलने देंगे। तो एमएस वर्ड को पर्टिकुलरली टारगेट करके अगर कोई सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं वायरस जो एमएस वर्ड को नहीं चलने दे रहा है, तो अगर एमएस वर्ड नहीं चलेगा तो पीएस वर्ड कोई मार्केट में लाएगा वो चलने लगेगा। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि पीएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है ना, उसी ने उस वायरस को डिजाइन करवाया है जो एमएस वर्ड को टारगेट किया है। और एक्चुअली अगर इसके हिस्ट्री में जाओगे ना वायरस में, तो वही इसका हिस्ट्री यहीं से चालू ही होता है। इसको बनाने के लिए कोई नॉर्मल यूजर नहीं आया था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व थी इसमें। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जिस इंटरेस्टिंग कहानी में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद वायरस बनाया था। मैं इस चीज को जो है लीगली नहीं बता रहा हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, मैं किसी किताब में नहीं देखता हूँ, मैंने भी किसी के मुंह से ही सुना है। तो जब सुनने की बात है तो ठीक है, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था कि जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर फ्री में आपके पास पहुंच गया, जैसे विंडोज 7। अब देखो विंडोज 7 को क्रैक करना बहुत आसान है, लेकिन विंडोज 10 को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। विंडोज 7 जिसके जिसके सिस्टम में है, पायरेटेड डिस्क भी अगर तुम चला रहे हो ना तो आराम से यूज कर पाओगे, साल भर, 2 साल 5 साल 10 साल, जितना दिन तुम चला रहे हो सेफली चला रहे हो तो तुमको वो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन विंडोज 10 को तुम यूज करके देखो ना, 10 से 15 दिन में तुम्हारा जो है, अगर तुम इंटरनेट से यूज कर पा रहे हो तो इंटरनेट से, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद एक्सपायर होने के बाद वो बहुत सारी चीजों को लॉक कर रहा है, तो क्या है, वो अपने सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है ताकि उसकी पायरेसी को रोकी जा सके। लेकिन अब विंडोज 7 तो बन चुका है, तो दोबारा उस सीडी को थोड़े डिजाइन करेगा, तो क्या करेगा, वो वायरस बनाएगा ताकि विंडोज 7 जहां जहां है विंडोज 7 को करप्ट करने का स्पीड बढ़ा दो। तो विंडोज 7 करप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग विंडोज 10 पे आएंगे। अब विंडोज 10 पे आएंगे तो आदत लगेगी, विंडोज 10 अगर हमको ज्यादा परेशान करेगा क्या करेंगे, लो रे 3000 ले लो लेकिन हमको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दे दो। तो बात कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे और वायरस बनाने के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां ही हैं। छोटी मोटी कंपनियों को ये सब छोटे मोटे काम से बहुत पैसा थोड़ी मिलेगा। लेकिन मुद्दा समझ लो, डिस्ट्रक्शन हैकर्स का मेन हथियार है तुम्हारा वायरस। कंप्यूटर के अंदर आकर के कोई काम किया थोड़ी जा सकता है फिजिकली, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है। तो अगर आप कंप्यूटर हैकिंग की बात करेंगे तो हैकिंग के लिए जो है ना मेन हथियार जो होता है किसी भी हैकिंग का, वो तुम्हारा वायरस ही है। वायरस का मेन गुण यही है कि वो तुम्हारे कंप्यूटर में आकर के इंसर्ट हुआ, इंस्टॉल हुआ, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसने क्या किया, तुम्हारे सिस्टम का आईपी एड्रेस किसी दूसरे को शेयर कर दिया और दूसरा इसके उस सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जिससे कि ये रिमोटली लोकेट किया जा सकता है, वो भी साइलेंट मोड में। अब वो क्या कर रहा है हमको तुमको पता नहीं है, लेकिन दूसरा यूजर क्या कर रहा है, तुम्हारे पूरे कंप्यूटर को देख पा रहा है। तो ये है वायरस का कॉन्सेप्ट, बस समझे, वायरस भी सॉफ्टवेयर है और सारे गलत कामों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अब बहुत तरह का वायरस होता है, टाइप्स ऑफ वायरस में जाओगे तो बहुत तरह का वायरस होता है। हम तो जब
पढ़ने बैठे हैं बच्चे लोग तो हमको लगता है 25-30 तरीके का तो वायरस मैंने देख लिया टाइप ऑफ वायरस में, तो फिर मैं इसी कंक्लूजन पे आया कि टाइप ऑफ वायरस में तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वायरस पर तो एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री है इसका, और सबको एक्चुअली जहाँ पे होना चाहिए नेम ऑफ वायरस वहाँ पे होता है टाइप ऑफ वायरस। एक्चुअली टाइप ऑफ वायरस उसके काम करने के तरीके पे उसे क्या किया जाता है, टाइप कर दिया जाता है कि ये किस टाइप का है, जिस टाइप का काम किया है उसको उस टाइप का काम कर दिया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में एक बूट सेक्टर होता है जहाँ पे बूटिंग के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब कंप्यूटर कैसे ऑन होगा सारा इन्फॉर्मेशन वही होता है। तो अगर कोई वायरस उस सेक्शन को टारगेट करके बनाया गया है तो दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। उसी तरीके से दूसरा क्या हो गया, तुमको फाइल को इन्फेक्ट कर दो, मतलब हम वायरस बनाए हैं उस वायरस को किस चीज के लिए बनाए हैं कि कंप्यूटर में जितने भी एमएस वर्ड वाले फाइल है, गाना वाला फाइल है, जो भी फाइल है उस सारे फाइल को क्या कर दो, जाकर के इन्फेक्ट कर दो। अब वो फाइल जो है एक्चुअल फाइल तो है ही, डाटा उसमें भी वायरस वाला भी क्या कर गया, इन्फेक्टेड हो गया, जैसे कि नॉर्मल इंसान और कोरोना वायरस वाला इंसान, ऐसा थोड़ी है दोनों इंसान में अंतर है, लेकिन उस इंसान में कोरोना वायरस भी है, उसी तरह से फाइल इन्फेक्टेड वायरस, तो जिस फाइल में वायरस आके इन्फेक्शन फैला गया उसे कहते हैं फाइल इन्फेक्शन वायरस, जो फाइल को इन्फेक्ट कर दिया। उसी तरीके से बूट सेक्टर वायरस मैंने आपको बता दिया, फाइल इन्फेक्शन वायरस बता दिया, इसी तरीके से होता है डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी वायरस क्या करता है, फोल्डर को ही क्या कर देता है ना, इन्फेक्ट कर देता है। फोल्डर को क्या इन्फेक्ट कर देता है, देखो तो मोटा मोटी मेरे बात को सुन लोगे तो लिखने का काम खुद हो जाएगा। डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्टरी वायरस का टारगेट क्या है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, फोल्डर को ही क्या कर देता है, ये इन्फेक्ट कर देता है। और ये तो आप लोग को जनरल लाइफ में मिल जाएगा, एक्चुअली ये इतना पुराना वायरस है कि फैलते फैलते इतना पेन ड्राइव, इतने कंप्यूटर और इतने लैपटॉप्स में फैल गया है कि सब जगह दिख जाएगा। तुम देखोगे कभी कभी पेन ड्राइव लगाओगे तो तुम्हारा सारा पेन ड्राइव का डाटा गायब हो जाता है, वो जो है डायरेक्टरी इन्फेक्टेड वायरस है, वो डायरेक्टरी को खत्म करता है। और डायरेक्टरी इन्फेक्टेड वायरस क्या करता है, तुम्हारे पूरे डायरेक्टरी का पाथ बदल देता है। जैसे कि सी ड्राइव से आप डी ड्राइव को खोलते हो तो डी ड्राइव को खोलने के बाद डी का जितना भी फाइल है वो तुमको दिखता है, लेकिन ये क्या करता है ना, डी ड्राइव का लोकेशन चेंज कर देता है। ये एक्चुअली वायरस वाला फाइल जो है उसके लोकेशन पर तुमको पता देता है। अब तुम इस फोल्डर को डबल क्लिक मारे तो जाकर के फाइल खोलने के बजाय, फोल्डर को खोलने के बजाय क्या कर देगा, तुम्हारे उस वायरस के प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी इन्फेक्टेड वायरस। उसी तरीके से आपको डायरेक्टरी इन्फेक्टेड वायरस मैंने बता दिया, फाइल इन्फेक्टेड वायरस बता दिया, उसी तरीके से आपका जो है मैंने आपको क्या बता दिया, डायरेक्टरी इन्फेक्टेड वायरस हो गया, फाइल इन्फेक्टेड वायरस हो गया। उसके बाद आपके पास आता है देखिए ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या होता है, ये एक टाइप है वायरस के ओवरराइट करने का टाइप। ओवरराइट करने का जो टाइप है वो टाइप होता है ओवरराइट वायरस करने का, टाइप करने का मतलब कहता है कि एग्जिस्टिंग फाइल है तुम्हारे, उस फाइल को ही उसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, उसके ऊपर से ही जाके लिख दिया। लो अब ओवरराइट वायरस सबसे खतरनाक वायरस होता है। अगर तुम्हारे फाइल को कोई ओवरराइट करके चला गया है तो बहुत कम चांस होता है कि तुम उसको फिर से सही कर पाओ। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आप उस चीज को क्या कर सको, ओवरराइट करके दिया गया फाइल को ठीक कर पाओ। क्योंकि जब ओवरराइट किया है तो ऐसा तो नहीं किया है कोई दूसरा कॉपी तैयार किया है, कोई दूसरा कॉपी तैयार नहीं किया है उसने, बस हो गया, वो कॉपी नहीं बनाया है, एक्चुअल फाइल को ही ओवरराइट कर दिया। तो सर सिंपली आप समझो ना, जैसे मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हूँ इसी को अभी ओवरराइट करके सेव कर दूं तो फिर दोबारा ये मिलेगा मुझे क्या। और दूसरी बात, अगर इसमें भी कोड रख देता हूँ वायरस वाला या गलत कोड रख देता हूँ और कहाँ कहाँ रख देते हैं वो हमको पता नहीं है, तब तो फिर इसको बचाने का एक ही तरीका है ना, क्योंकि वायरस का गुण है कि वो खुद फैलेगा। तो अगर किसी फाइल को उसने ओवरराइट कर दिया है या कंप्लीट कर दिया हो या थोड़ा सा कर दिया हो तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में एक ही तरीका होता है कि उसको क्या करो भैया, पूरी तरीके से डिलीट कर दो। तो ये हो गया तुमको ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर को मैंने बताई दिया। मैक्रो वायरस एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, मैक्रो वायरस। तो जो बच्चे एमएस वर्ड जानते हो, पावर पॉइंट जानते हो और एक्सेल जानते हो, दूसरी बात मैं अगर इस वर्ड की बात है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, जिसको भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ना है विद इन 3 डेज आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ना है तो ठीक है। और उसके बाद ये हो गया तुम्हारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पर हो गया अगर तुम, तो उसमें एक मैक्रो होता है। मैक्रो एक्चुअली एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो किसी भी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है मैक्रो प्रोग्राम का। तो ऐसा वायरस जो किसी मैक्रो को टारगेट करके बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। ये किसी एप्लीकेशन को स्पेशली टारगेट करके बनता है।
एमएस वर्ड को टारगेट कर लेगा या एमएस एक्सेल को करेगा या पावर पॉइंट को करेगा, इस सब के लिए नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मैक्रो वायरस कहते हैं क्योंकि ये मैक्रो को काम करता है। उसी तरीके से हो गया आपको नेटवर्क वायरस, तो ऐसा वायरस जो नेटवर्क के थ्रू फैलता है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क वायरस। बाकी गुण तो उसमें वायरस वाला ही होना है, बस उसे कहा क्या गया जो नेटवर्क के थ्रू फैलेगा दैट इज कॉल्ड नेटवर्क वायरस, ओके। उसके बाद आता है आपका स्टेल्थ वायरस। तो जैसे स्टेल्थ वायरस वर्ड से ही कहते हैं स्टेल्थ वायरस, तो ये एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को छुपाने में बहुत माहिर होता है, इसको एंटीवायरस भी नहीं पकड़ सकता है, अगर पकड़ लिया तो फिर काहे का स्टेल्थ वायरस। तो इसमें स्टेल्थ गुण होता है छुपाने का, मतलब ये बहुत अव्वल दर्जे का सॉफ्टवेयर है वायरस है, ठीक है। स्टेल्थ हो ये हो गया। इनक्रिप्टेड वायरस, इनक्रिप्टेड वायरस भी एक्चुअली वो वायरस है जो क्या है ना एंटीवायरस को चकमा देने के लिए बना हुआ है। एंटीवायरस उसको समझता है कि भैया ये जो है ना वायरस नहीं है, लेकिन जब वो कंप्यूटर में घुसता है तो अपने आप को एक्चुअल मोड में ले आता है और काम करने लगता है। इनक्रिप्टेड वायरस इसी को कहते हैं, इनकोड करके डिक्रोड कर लेता है। जब वो काम करने लगता है तब तो वो उसको वायरस पकड़ लेगा, क्योंकि तब उस समय वो अपने आप को डिकोड कर लेता है। लेकिन जिस समय वो सिस्टम में घुस रहा होता है उस समय में एंटीवायरस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो अपने कोड को क्या करके रखा हुआ होता है, इनक्रिप्ट करके रखा हुआ होता है। जो ही वो डिकोड होता है तब वो वायरस बनता है। तो ये जो कहानी है छुप करके नहीं अपने रूप को बदल करके आता है इनक्रिप्टेड वायरस। तो ये इनक्रिप्टेड वायरस का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क वायरस हो ही है। दो वायरस और होता है बच्चे लोग, वो एक वायरस होता है वर्म वायरस और दूसरा वर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो वर्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है ना लगभग सेम वर्ड है, लगभग, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। वर्म वायरस क्या होता है ना, जब इंटरनेट की दुनिया आई है तब से वर्म की दुनिया आई है। इट्स एक्चुअली इट इज नेटवर्क वायरस। अब वर्म वायरस जो बना था ये एक्चुअली बना है तुमको स्क्रिप्ट के मदद से, जावास्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट जो तुम सुने हो, एक्चुअली ये वीवी स्क्रिप्ट के मदद से बना हुआ था ये वर्म वायरस। इसको जो है सिस्टम में इंस्टॉल होने का जरूरत नहीं है, बात समझे, ये सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है, ये तुमको इंटरनेट के वेब ब्राउजर के मदद से ही जनरली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये तो एक्चुअली हैकर्स के द्वारा ही बनाया गया है तुम्हारे सारे सारे इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। इसका मकसद ही है इन्फॉर्मेशन चोरी करना, ठीक है। वैसे अगर हम सिर्फ वर्म पे ही तुमको बताएं तो वर्म पे भी 10 से 20 पेज का नोट्स मिल जाएगा तुमको, क्योंकि इसकी इतने टाइप्स आ चुके हैं आज तक, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन कहता है कि वर्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हैकिंग के लिए बना था, जस्ट लाइक ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी वही करता है जो वर्म करता है। तो वर्म को एक्चुअली कहा भी नहीं जाता है कि वो एक वायरस है, क्योंकि वायरस होने का जो गुण कहता है वो ये होता है कि जो कंप्यूटर में रन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने का गुण वर्म में नहीं है, वर्म वायरस में। ये कभी भी आएगा तो इंटरनेट के थ्रू ही आएगा, किसी नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क या तुम्हारे लैंड नेटवर्क, वैन नेटवर्क, ये हॉटस्पॉट नेटवर्क के माध्यम से ही आना है इस वर्म को। ट्रोजन हॉर्स भी मोटा मोटी वही है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स दोनों काम कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स तुम्हारा नेटवर्क के जरिए भी आएगा और उसके बाद उसमें वर्म जो है वो नेटवर्क के जरिए भी आएगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। लेकिन ट्रोजन हॉर्स तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के जरिए आता है और किसी भी जरिए नहीं आता है, और ये तो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्टिंग है भी नहीं, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, ना ही ये अपना कॉपी क्रिएट कर सकता है। ये जब भी तुम्हारे पास आया है तो किसी एक्चुअल सोर्स के मदद से आया है, ये उसके एग्जीक्यूशन की वजह से नहीं आया है। वर्म के पास ये क्वालिटी नहीं है। तो उसके बाद भी अगर तुम लोग चाहोगे ना इसमें घुसने का, तो इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री है इसका कि तुम बहुत दूर तक जा सकते हो। आई थिंक तुमको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी कि वायरस किसको कहते हैं और एंटीवायरस तो ही नहीं बताया हूँ, वायरस किसको कहते हैं। तो फिर बात आता है कि बच्चे लोग ये तो वायरस हो गया, अब वायरस की बात करेंगे तो कहता है कि वायरस के प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं कि वायरस से कैसे बचा जाए, तो वायरस से अगर बचना है तुमको तो कुछ ये छोटी मोटी गाइडलाइन है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी केयरफुल विथ ईमेल अटैचमेंट। देखो जिंदगी में याद रखना है एक चीज, छोड़ दो इस चीज को कि व्हाट इज वायरस और एंटीवायरस का क्लास चल रहा है, आप एक चीज समझ जाओ कि तुम आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तुम आज कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो तुम जो हो वायरस के प्रकोप में कभी भी आ सकते हो, क्योंकि इंटरनेट से सबसे ज्यादा डाटा यूज कर रहे हो। और एज ए आईटी स्टूडेंट अगर आप वायरस के चक्कर में फंसते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं तो आपके नॉलेज में कमी है। तो सबसे पहला चीज है, मजबूरी में होता है कभी कभी हम वायरस के चपेट में आ जाएं, लेकिन
अगर हम आईटी के स्टूडेंट हैं और एक्चुअली वायरस को जानते हैं, वायरस क्या करता है, वायरस के करने का टेक्निक क्या है, क्यों वायरस लगता है, तो हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाए हमको नहीं लगता है। देखो अब हम यहाँ बोले और कोई जो हैकर वो मेरे बात को सीरियस ले ले कि ये चैलेंज कर रहा है कि ये मेरे कंप्यूटर को हैक कर लेंगे, तो देखो इतने दिनों से हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमने कभी एंटीवायरस यूज नहीं किया है, क्योंकि रीजन है ना, मेरे कंप्यूटर में करोड़ों का डाटा है, तो जब करोड़ का डाटा नहीं है तो 500 रुपये में एंटीवायरस को भी क्यों दो, जरूरत हो अगर 500 रुपये का डाटा तुम्हारे कंप्यूटर में है तो एंटीवायरस खरीदो, क्योंकि वायरस लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट होगा, हम फॉर्मेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पेन ड्राइव में एंटीवायरस ऑलवेज रहता है सॉफ्टवेयर, हम फॉर्मेट कर देंगे। लेकिन अगर डाटा को सिक्योर करना है तो एंटीवायरस तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला चीज है, जनरली तो जो रूल कहता है अगर वायरस से आपको बचना है तो आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कीजिए, बात समझ गए। और एक्चुअली एक बात जान जाओ, अगर नॉर्मल लाइफ में छोटे छोटे यूजर को कोई कंप्यूटर वायरस परेशान कर रहा है ना, तो उसके पीछे ये एंटीवायरस वाला कंपनी ही है सबसे पहले, क्योंकि वायरस बनाने से फायदा किसको हुआ, वो एंटीवायरस वाली कंपनी को। तो जो वायरसेज है ना वो सारे नामी गिरामी कंपनियां ही बनाती है जो छोटे यूजर को परेशान करता है। किसी बड़े यूजर को टारगेट करने के बाद, जैसे कि चाइना का जो है तुमको डिफेंस, उसका जो है खुफिया एजेंसी इंडिया के इसरो पे टारगेट किया या नासा पे टारगेट किया, तो वहां पे स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड यूजर है जो कि स्पेशल टारगेट पे काम कर रहा है, तो वहां पे जो वायरस है वो तो बहुत खतरनाक तरीके का है। लेकिन अब रौनक को कोई स्पेशली टारगेट करे तो उसके कंप्यूटर में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं ना। तो इस केस में जो ये एंटीवायरस वाला कंपनी है ना, यही सब खेला वेला कर रहा है सबको, बात समझ गए। तो चलो तुम भी नेटवर्क पे आओगे तो एंटीवायरस यूज करो, पहला केयरफुल तरीका ये है। दूसरी बात, अगर तुमको कोई ईमेल आया है और तुम जानते ही नहीं हो ईमेल क्यों आया है, और उसमें लिखा हुआ है कि आप 10 करोड़ रुपया जीत गए हैं इसलिए फलना लिंक पे क्लिक करके अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो देखो बात समझ में आना। पहला बात कि भैया तुम 7 करोड़ अरब में से सबसे लकी तुम ही थे जो तुमको जो है 7 करोड़ रुपया कोई 10 करोड़ रुपया देने की बात कर रहा है। तो अगर इस टाइप का मैसेज आए ना, तो सबसे पहले समझ लेना कि अकाउंट में अगर 1000 रुपया भी है तो भी जाने वाला है। तो सबसे पहला काम करो कि उसको ब्लॉक करो और रिपोर्ट करो। आजकल जानते हो सबसे बड़ी बात ये चीज है, तो आज के डेट में व्हाट्सएप के जरिए हो रही है यार, जिस नंबर को मैं जानता नहीं हूँ वो नंबर मेरे को कहीं कहीं मैसेज करता है। और तुमको सच्ची बात बता रहा हूँ कि वो मैसेज के थ्रू हो या तुमको सिंपली टेक्स्ट मैसेज के जरिए हो, किसी भी मैसेज का आप रिप्लाई करते हो तो आई एम नॉट एक्चुअली नोन ये होता कैसे है, लेकिन किसी भी अननोन पर्सन को आप रिप्लाई ना करें, क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं करते हैं तब तक आप बहुत हद तक सेफ मोड में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो है आपका इंटरेक्शन लेने की बात होती है, बात समझे। तो ईमेल को खोलो तो सतर्क रहो, व्हाट्सएप चेक करो तो किसी फालतू लिंक पे क्लिक न करो, और कोई अननोन नंबर अगर कोई ऑफर दे रहा है तो सबसे पहला काम करो उसको ब्लॉक और अब्यूज ब्लॉक करो। ये भी मत करो गुस्से में कि उसको गाली देना है, गाली दे रहे हो मतलब रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्ट तो करो ही मत, सीधा काम करो ब्लॉक करो, ब्लॉक द यूजर, क्योंकि वो तुम गाली भी अगर उसको दे रहे हो तो भी तुम क्या किए उसको रिप्लाई कर दिए। तो रिप्लाई कभी करना ही नहीं है किसी भी अननोन पर्सन को, नेवर ट्राई टू रिप्लाई, सीधा काम है एग्जिट, ब्लॉक एंड एग्जिट। पहला काम समझ में आ गया आपको। दूसरा बात एक चीज है कि आपने किसी भी घर वाले को बता दो, सीधा सतर्क रहने की बात कर लो। अगर आप आज के डेट में बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ गए। तो ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हारा मोबाइल हैक होता है तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा साफ होना बहुत ईजी हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका जानते हो क्या, इससे बचने का बड़ा सिंपल तरीका है, और ये तरीका ये है ना, आप आज के आईटी के दुनिया में निश्चिंत ना हो कि आपका कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता। आपका एंड्रॉइड तो हैक्ड है, ऑलरेडी हैक्ड है, क्योंकि आप जो ही कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो कहते हो अलाउ अलाउ अलाउ, अलाउ का मतलब जानते हो तुम्हारा फोन नंबर, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो सब फोन नंबर तुम्हारा उठा लिया। तुम कहते हो डिवाइस लोके क्या कहते हैं डिवाइस का तुम अलाउ कर देते हो यूज करो, वो पूरा है तुम्हारा पूरा का पूरा मेमोरी खंगाल लेगा, वो ऑटोमेटिकली खंगाल रहा है क्योंकि तुम तो उसको परमिशन दे रखे हो कि कंप्यूटर का सब चीज यूज करो, सॉरी अपने एंड्रॉइड मोबाइल का सब चीज यूज करो। तो एंड्रॉइड पे तो कभी विश्वास मत करना, एंड्रॉइड के अंदर कभी भी अपने अकाउंट का कोई इन्फॉर्मेशन मत देना, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत रखना जिसकी वजह से तुमको पैसे का नुकसान हो सकता है, एंड्रॉइड पे एकदम विश्वास मत करना। हाँ, जिसको भी पैसे तैसे की कोई भी काम का लेन देन है, जिसका भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फोन के जरिए ही सॉल्व होता है, तो बच्चे एंड्रॉइड मत यूज करो, एप्पल का फोन खरीद लो, या नहीं तो
वो जो 1000 रुपए का फोन आता है ना वो यूज करो, स्मार्टफोन यूज करके ट्रांजेक्शन करते हो तो अपने आप को लटकाने के लिए तैयार हो, या तो उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन करो जिसमें इतना अकाउंट में पैसा ना हो जिससे कि आप पे इंपैक्ट पड़े, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर आप करना ही चाहते हो तो अच्छा मोबाइल खरीदो। एंड्रॉयड के साथ कभी भी अपने डाटा को कंप्रोमाइज करो मत, क्योंकि एंड्रॉयड का सारा डाटा चोरी होता है ऑलवेज। बहुत छोटा सा चीज है, हम कर सकते हैं तुम्हारे साथ ये काम, बस मेरा ऐप तुम गलती से इंस्टॉल तो कर लो। उस ऐप का जो जना जिसको जिसको अलाउ किए हो, उस सारा जितना तुम्हारे में ऐप इंस्टॉल है ना, उस सब के पास इतनी अथॉरिटी है कि तुम्हारे मोबाइल का कैमरा ऑन करके वो तुमको देख रहा है और तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि कैमरा ऑन हो चुका है ना, समझे? इसलिए मोबाइल से बच के रहोगे। अब देखो अगला है, कहता है वायरस से बचने का जो तरीका, वो कहता है कीप अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर को ऑलवेज अपडेट करते रहो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अपडेट करोगे तो जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है वो अपने आप को रोज अपडेट इसलिए करते हैं ताकि उस पर सॉफ्टवेयर वायरस का इंपैक्ट कम से कम हो, ठीक है। अवॉइड क्वेश्चनेबल वेबसाइट, तो ऐसा कोई भी वेबसाइट जिस पर कि क्वेश्चन किया जा सकता है, मतलब प्रश्न उठाया जा सकता है, शक कर सकते हो, उससे दूर रहो एकदम। उस डिवाइस में तो कतई उस वेबसाइट का इस्तेमाल मत करो जिस डिवाइस में कोई भी सिक्योर्ड फाइल सिक्योर्ड ट्रांजेक्शन होता हो, सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज वहीं हो जाता है जहां पर आप ऐसे वेबसाइट को यूज करते हो जिसको आपको भी यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अननोन वेबसाइट को अगर तुम यूज कर रहे हो तो फिर अननोन आदमी के साथ, कहते हैं ना बच्चे में, छोटे बच्चे में क्या कहा जाता था, बचलो किसी अनजान व्यक्ति ने कुछ खाने को दिया तो खाना नहीं, उसी तरीके से अनजान वेबसाइट को कभी खोलना नहीं, और अगर खोलने की जरूरत पड़े देन चेक इट https लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। https लगा हुआ है तो मैक्सिमम चांस है कि वो सिक्योर्ड है, ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि सिक्योर्ड है, ऐसी नहीं ये बात होती है कि वो प्योर सिक्योर्ड है, मैक्सिमम चांस बनता है कि वो सिक्योर्ड होगा, ठीक है। अवॉइड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, फ्री का सॉफ्टवेयर तो कतई जिंदगी में इस्तेमाल मत करो। अब बताओ क्यों, फ्री में कोई चीज तुमको क्यों मिलेगा? अगर तुमको फ्री में कुछ दिया है इसका मतलब है उसके पीछे तुम्हारे लिए उसका लस्ट है, और उसका लस्ट क्या है, तुम्हारा डाटा, तुम्हारा सिक्योरिटी सब प्रॉब्लम में डालेगा, तो इसीलिए तुमको फ्री में दिया है। फ्री में डालने का मतलब क्या है? उसका कहता है बैकअप योर कंप्यूटर, टाइम टू टाइम अपने कंप्यूटर का बैकअप बना के रखो कि अगर किसी वजह से, वायरस की वजह से आपको डाटा का नुकसान होता है तो आप डाटा दोबारा गेन कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसके बाद जो नॉर्मल यूजर के लिए है, अवॉइड यूएसबी ड्राइव फाइल ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली और विदाउट स्कैनिंग यूएसबी और एनी पोर्टेबल ड्राइव। अब इस चीज को क्या करो, पोर्टेबल कोई भी ड्राइव को बार बार दूसरे के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफर करते हो ना के बराबर करो, क्योंकि अगर ये काम करते हो तो इससे सबसे ज्यादा फाइल क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको वायरस इन्फेक्ट करता है आपके सिस्टम को। तो जरूरी ना हो तो बिना स्कैन किए हुए आप पेन ड्राइव का यूज ना करें। दूसरी बात, इसमें नहीं लिखा हूं लेकिन एक चीज समझ लो कि अगर तुम पेन ड्राइव यूज करना चाहते हो, मजबूरी है, तो पेन ड्राइव को घुसाने से पहले शिफ्ट की को प्रेस किए रहना और पेन ड्राइव को घुसा देना। क्या करना, देखो शिफ्ट की कीजी को क्लिक करके शिफ्ट दबाए रहना, उसके बाद पेन ड्राइव घुसाना, तो उससे होगा क्या, ऑटो रन ब्लॉक हो जाता है, ऑटो रन ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे तुमको वो बता देते हैं। उसके बाद जब तुम कंप्यूटर को खोलोगे अपने पेन ड्राइव को, तो ऐसे मत खोलना, देखो मेरे स्क्रीन को, कंप्यूटर खुला, अब यहाँ पे तुम्हारा वो कंप्यूटर में पेन ड्राइव भी खुलेगा, डबल क्लिक करते मत करना, क्योंकि डबल क्लिक करोगे और अगर इसमें वायरस लगा हुआ होगा तो वो इस पेन ड्राइव के साथ अटैच हो चुका है, वो तुम्हारे उस फाइल को एग्जीक्यूट करके, वायरस को एग्जीक्यूट करके तुम्हारे सिस्टम में लोड कर देगा। तो इससे बचने का तरीका है, क्योंकि डबल क्लिक का मतलब होता है ओपन करना, इससे बचने का तरीका है कि यहाँ देखो ये जो इस साइड में बाहर देख रहे हो ना, पहले तो शिफ्ट के साथ जो ही पेन ड्राइव घुसाओगे तो ऑटो रन नहीं एक्टिवेट होगा। तो पहला बात कि यूएसबी से आपका वायरस कंप्यूटर में नहीं घुसेगा, अगर उसमें वायरस है तो भी, ऑटो रन एग्जीक्यूट हो गया तो समझ लो वायरस तुम्हारे कंप्यूटर में चला गया, और डबल क्लिक करोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए इसको डबल क्लिक नहीं करना है। जैसे इसी को खोलना है तो यहाँ वाला जो तुम देख रहे हो इसको राइट लेफ्ट साइड में जो तुम पैनल देख रहे हो उसमें जाके ई को क्लिक करो। इसको क्लिक करने से बहुत सारा बहुत चांस है कि तुम वायरस से बच जाओगे, बात समझे, ये प्रोसेस यूज करना तो तुमको वायरस से बच जाओगे, लेकिन इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको अपने पर्सनली बचने के लिए हम बताए हैं कि ये काम करना, ठीक है ना, लिखने मत चले जाना, लिखने का काम जो करना वो इस नोट्स में है उसको लिखना। ऑलवेज यूज सेफ मोड ऑफ वेब ब्राउजर फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। देखो ये थोड़ा सा हम जो है अच्छी से हट के बता रहे थे तुमको, अगर कहीं पे भी सिक्योरिटी की बात आती है
तुम किसी के भी कंप्यूटर को यूज करो तो याद रखना एक चीज, किसी भी कंप्यूटर को खोलोगे ना, किसी भी ब्राउजर को खोलोगे ना, किसी भी ब्राउजर को खोल लो, किसी भी ब्राउजर को अगर आप खोलते हो तो उसमें एक सिक्योर मोड होता है। जैसे कि इसमें देखो, इसे कहते हैं न्यू इनगोनिटो विंडो, इनगोनिटो विंडो। एक्चुअली ये जो होता है ये सेफ मोड होता है किसी भी कंप्यूटर का। इसके अंदर अगर आप कुछ करोगे ना, जो जनरली कहा गया है गूगल क्रोम कहता है ये चीज, या तुमको ये चीज सब में मिलेगा, हर ब्राउजर में, अच्छे ब्राउजर में ये चीज आपको मिलेगा। इसके जरिए तुम कोई भी काम करोगे ना तो क्या होगा ना, इसको ट्रैक करना बहुत कम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझ लो। ये वही वाला बात हो गया कि गूगल पे से भी भरोसा उठ जाना। अगर आप इसमें मोड में यूज कर रहे हो और कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई पासवर्ड डालोगे, संभव नहीं है इस मोड में कि आपके कीबोर्ड को कोई ट्रैक कर ले। इट्स इम्पॉसिबल कि इस मोड में आप ट्रैक हो जाए, क्योंकि वेब ब्राउजर पे जितनी भी हैकिंग होती है ना बच्चे, वो एक्चुअली होती है एक कुकीज की वजह से। कुकीज नाम का एक वर्ड है जिसकी वजह से इसमें हैकिंग वगैरह होता है। वेब ब्राउजर पे जितना भी खेल है ना, सब होता है तुमको स्क्रिप्ट लैंग्वेज के मदद से और कुकीज के मदद से, जो कि इस मोड में काम नहीं करता है। ये इस पे काम करके निकल जाओगे ना तो कोई भी चीज रिमेम्बर नहीं होगा। जैसे नॉर्मली तुम देखते हो हर चीज याद कर लेता है तुम्हारा ब्राउजर, एक बार सर्च करो तो दोबारा आओगे तो फिर वही मिलेगा सर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप इस मोड में है तो आपको हिस्ट्री क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री क्रिएट ही नहीं होता है। तो सिक्योर काम कभी भी करोगे तो क्या करोगे, सिक्योर मोड में करोगे। तो ये है तुम्हारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एंटीवायरस, सॉरी प्रिवेंशन ऑफ द वायरस। अब बात आता है, इतना भाषण दे लिए, भाषण देने के बाद अगर तुमको अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा हो तो जल्दी से नोट्स पढ़ देता हूँ। इस नोट्स को आपको बना लेना है, मैंने जितना बात बोला है उतना ही सार इसमें मिलेगा तुमको, इससे ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा। तो कहता है कंप्यूटर क्या है, वो कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर डाटा और फॉर स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। क्या है कंप्यूटर वायरस, इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया है। किस चीज के लिए बनाया गया है, हार्म द कंप्यूटर, या तो कंप्यूटर को हार्म करने के लिए और कंप्यूटर का डाटा का हार्म करने के लिए, और स्टॉलिंग मतलब चुराने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए इसको बनाया गया है। ये लिटिल डिफरेंट बिटवीन द नॉर्मल प्रोग्राम एंड द वायरस इज, वायरस इज कैपेबल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। मैंने आपको भी बता ही दिया ये क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह फैला सकता है। स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली, अपने आप को क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है। अटैच देमसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम, ये अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम में क्या कर लेगा, चिपका लेगा। और इट कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी विदाउट यूजर नॉलेज, ये अपने आप को प्रोग्राम क्या करेगा, तुम्हारे कंप्यूटर के मेमोरी मतलब रैम में ऑटोमेटिकली डाल के एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ये इसकी कैपेसिटी होती है। इट स्प्रेड थ्रू द ईमेल, ये ईमेल के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू स्प्रेड कर सकता है। वेबसाइट कंटेनिंग मैलिशियस, कहते हैं मैलिशियस स्क्रिप्ट एंड फाइल डाउनलोड, आप अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करते हो उसकी मदद से हो सकता है, या अगर कोई स्क्रिप्ट उस वेबसाइट पे लगी हुई है जो कि वायरस है उससे भी वायरस फैलता है। इट स्प्रेड थ्रू, उसके बाद ए कंप्यूटर वायरस अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट फाइल एंड ऑलवेज एक्टिवेट व्हेन योर फाइल, ये कहता है कि एक कंप्यूटर वायरस जो है अटैच कर लेता है अपने आप को किसी होस्ट फाइल के साथ, एंड ऑलवेज एक्टिवेट व्हेन एवर यू ओपन द इन्फेक्टेड फाइल, जब जब उस इन्फेक्टेड फाइल को तुम खोलोगे तब तक वो अपना काम करेगा। द वायरस कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड देन इन्फेक्ट द अदर फाइल ऑन योर कंप्यूटर कॉज मोर डैमेज, कहता है कि द वायरस कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को रेप्लिकेट करवा सकता है, एंड देन इन्फेक्ट द अदर फाइल, और उसके बाद ये क्या करता है, दूसरे फाइल को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जो कि और डैमेज करने की काम है। मतलब एक तो डैमेज हो ही गया, वो दूसरे को तीसरे को चौथे को करते रहता है। अब कहता है कि कंप्यूटर अगर तुम्हारे वायरस अगर कंप्यूटर में लग गया तब क्या होता है, व्हेन कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, व्हेन कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस देन इट परफॉर्म स्लोली, कंप्यूटर तुम्हारा स्लो हो जाएगा। कैन टेक मोर टाइम टू बूट, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फुल एंड एक्सेप्टेडली, कंप्यूटर का जो मेमोरी है मतलब जो रैम है वो क्या होगा, जरूरत से पहले फुल जाएगा, फुल हो जाएगा, मतलब तुमको पता भी नहीं चलेगा। मतलब एमएस वर्ड खोले और 4 GB का रैम भर गया, जबकि पहले उसमें से जो है 1.5 GB नहीं भरता था और अब 4 GB भर रहा है। उसका रीजन क्या है, वायरस, वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी में जो है अपना क्या कर रहा है,
मेमोरी में प्रोग्राम क्रिएट किया जा रहा है, टास्क क्रिएट किया जा रहा है, इससे तुम्हारा रैम क्या हो जा रहा है, भर जा रहा है। तो ये भी बात समझ कर देखना है तुमको कि तुम्हारे कंप्यूटर में पहले इतना ज्यादा मेमोरी यूज नहीं हो रहा था, आज अगर हो रहा है इसका मतलब है समझ जाओ कि तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस है। ओके, व्हेन वी कैन लूज योर फाइल और फोल्डर। अब तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हारा कुछ फाइल और फोल्डर जो है मैक्सिमम टाइम तुम देखते हो कि गायब हो जा रहा है, तुमने नहीं डिलीट किया है, क्या है देख रहे हो अक्सर तुम्हारा कोई फाइल कभी फोल्डर गायब होते चला जा रहा है, तो उस केस में भी तुम समझ लो कि तुम्हें कंप्यूटर में क्या लगा हुआ है, वायरस लगा हुआ है। वी कैन नॉट एबल टू ओपन योर फाइल और फोल्डर। अगर वो कोई फाइल है जिसको तुम खोल नहीं पा रहे हो, कोई फोल्डर है जिसको तुम खोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ही है कि वो जो है वायरस से इन्फेक्टेड है। विदाउट नॉलेज ऑफ यूजर और विदाउट यूजर इंटरेक्शन मेनी प्रोग्राम ओपन ऑटोमेटिकली। अगर कंप्यूटर में वायरस लगा हुआ है तो देखोगे तुम अपने काम कर रहे हो, बीच में जो है कुछ भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर चालू हो जाए, खुद से कुछ चलने लगे उस पर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाए और कोई भी हमको ऐड दिखाने लगे, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये कर सकता है वो बिना यूजर से पूछे और यूजर के इंस्ट्रक्शन के भी ऑटोमेटिकली वो कई प्रोग्राम क्या कर सकता है, चला सकता है। उसके बाद कहता है मेनी प्रोग्राम ओपन ऑटोमेटिकली और मेनी प्रोग्राम क्लोज अनएक्सेप्टेडली। अब अगर वायरस है तो कह रहा है जो प्रोग्राम चल रहा है उसको क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है ना, क्योंकि वो रैम पे वो एक्सेस कर पा रहा है, तो रैम से तुम्हारे प्रोग्राम के फाइल को उड़ा दे रहा है। तो क्या है, जैसे कि अभी हम तुमको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जूम के जरिए और रिकॉर्डिंग मोड में भी है, और अभी इसी को कोई प्रोग्राम आके बंद कर दे तो क्या होगा, अनएक्सेप्टेडली जूम ही बंद हुआ तो मेरा रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेरा इतना देर एक घंटे का सवा घंटे का तो मेहनत गया, तो ये मेरा नुकसान कर दिया वो। समटाइम कंप्यूटर रिबूट देमसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर क्या होता है ना, बार बार रिबूट भी होने लगता है वायरस की मदद से, वजह से, क्योंकि रीजन है जब भी आपका मेमोरी फैल्यूर आएगा, मतलब रैम में बहुत सारे मेमोरी ओवरलोड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कंप्यूटर चल नहीं पाएगा और सिस्टम जो ही चल नहीं पाएगा, सिस्टम फैल्यूर होगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, तुरंत रिबूट कर देगा, समझे। तो समटाइम कंप्यूटर रिबूट देमसेल्फ ड्यू टू सिस्टम फैल्यूर। अब कहता है नीचे भी कुछ तुम्हारे टाइप्स ऑफ वायरसेस दिए हुए हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं अभी कोशिश करके इतना देखो तुमको छोटा किया हूँ इसको। अभी भी हम देख रहे हैं कि टोटल नोट्स जो है करीब 673 वर्ड में है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, तो चोरी करने जाओगे तब तो इतना लिख लोगे, लेकिन अगर खुद से लिखने की जरूरत पड़े तो कहते हैं 300-400 वर्ड में अपने क्वेश्चन को आपको सिमटाना चाहिए, बहुत हो गया 500 वर्ड। तो 14 नंबर के लिए तो चलो इतना लिखना भी पड़े तो लिख दो, लेकिन अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तब तो इसको आपको एकदम छोटा करके रखना है। तो टाइप ऑफ वायरस को आप छोटा करोगे, टाइप ऑफ वायरस को क्या करोगे, आप छोटा करोगे, सिर्फ नेम ऑफ द टाइप वायरस लिख दोगे, उसके डेफिनेशन को नहीं लिखोगे, लेकिन अपने नॉलेज के लिए ये पूरा आपको आना चाहिए। और बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ाओ, किताब पढ़ो, लेकिन इतना कम से कम अपने नॉलेज के लिए आना चाहिए। लेकिन जब परीक्षा में लिखोगे तो इसमें से टाइप ऑफ वायरस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा करोगे, इससे ऊपर सब लिखोगे, लेकिन टाइप ऑफ वायरस का जो होगा नीचे वाला क्या करोगे आप लोग, छोटा कर दोगे। ओके, टाइप ऑफ वायरस में देखो अभी हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अब नोट्स है तो पढ़ के बता दे रहे हैं, वही कुछ फीस में लिखा हुआ है। देखो रेसिडेंट वायरस, तो रेसिडेंट वायरस कहने का मतलब होता है, रेसिडेंट वायरस कहने का मतलब होता है कि ये वायरस क्या होता है, जब आपको कंप्यूटर पर लगता है तो कंप्यूटर का जो मेन काम है वायरस का, वो तो होना ही होना है, सब वही करता है, क्या करेगा, फाइल को चेंज कर देगा, तो फाइल को डिलीट कर देगा, फाइल को ओवरराइट कर देगा, फाइल को रिमूव कर देगा, फाइल को चोरी कर लेगा, तो जो करना है वो तो करना ही है सारे वायरस को। लेकिन रेसिडेंट वायरस क्या करता है, अगर ही तुम्हारे कंप्यूटर में लगा तो बाबू तुम्हारा कंप्यूटर चालू होगा और ये तुम्हारे रैम में तब तक बैठा रहेगा जब तक कि तुम्हारा कंप्यूटर चालू है। अब तुम्हारे रैम में बैठे बैठे ये अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो और ये वायरस अपना काम कर रहा है, एक बार चालू हुआ तो नॉन स्टॉप काम करेगा, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट वायरस। ये सेपरेटली जो ये तुम्हारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है तो ये तुम्हारे रैम में परमानेंटली रहेगा जब तक कि तुम्हारा कंप्यूटर ऑन है, और उसके बाद इसको जिस चीज के लिए बनाया गया है ये करते रहेगा, इट इज कॉल्ड रेसिडेंट वायरस। कहता है दिस टाइप ऑफ वायरस इज परमानेंट विच ड्वेल्स इन रैम मेमोरी। ये ऑलवेज क्या होगा, रैम के मेमोरी में एक्टिवेट ही रहेगा तुम्हारे में अगर ये एक बार आ गया तो। उसका कहता है ओवरराइड वायरस, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करता है ओवरराइड वायरस। वायरसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्ट दैट इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइल दैट इट इनफेक्ट्स रेंडरिंग देम पार्शियली और टोटली यूजलेस।
once they have been infected, the only way to clean a file infected virus and override virus to delete the file completely, thus losing the original content. Example, Wade Trojan Robot or Travel 88D. These all are override virus. तो मैंने अभी इतना पढ़ दिया, ये उतना ही बात कह रहा है कि अगर ये तुम्हारे फाइल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो उसके किसी पार्शियल पार्ट को या तो कंप्लीट को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, उस इन्फॉर्मेशन को हटा के अपना इन्फॉर्मेशन रख देगा। तो उस केस में तुम उससे बच नहीं सकते हो। अगर क्यों उपाय है, उस फाइल को डिलीट करो, उसको कोई एंटीवायरस सुधार नहीं सकता है। बूट सेक्टर वायरस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, माइक्रो वायरस आपको मैंने बता दिया, डायरेक्टरी वायरस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फाइल इन्फेक्टेड वायरस आपको बता दिया, इन्फेक्टेड वायरस, इनकैप्सुलेट वायरस बता दिया, नेटवर्क वायरस मैंने आपको बता दिया, स्टेल्थ वायरस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वर्म वायरस आपको मैंने कल क्लियर बता दिया, ट्रोजन हॉर्स वायरस मैंने आपको बता दिया, ये सारा चीज मैंने आपको वायरस के लिए बता दिया, ये आपको स्टेप टू प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस वो भी बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वायरस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायरस। अब एक नोट, छोटा सा चीज आता है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस का नोट्स भी हम तुमको भेज देंगे, इसको लंबा करने का जरूरत नहीं है। तो एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। किस टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और इट इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है कंप्यूटर का, इंक्रीज करता है, क्योंकि वायरस तभी लगा ना जब तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिक्योरिटी वाला फीचर था वो क्या हो गया, फेल्योर हो गया। तो उस फीचर को बढ़ाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उस पर थोड़ा सा नोट्स लिख देना, एंटीवायरस का काम क्या है, तुम्हारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करना। ओके, एंटीवायरस के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत कभी नहीं होती है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो वायरस से आएगा। एंटीवायरस के बारे में यही है, इट इज ए यूटिलिटी प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू सपोर्ट द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एंटीवायरस का होता है। दूसरी बात, एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत होती है। एंटीवायरस क्या करता है, कभी भी आपके किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले स्कैन करता है। कभी भी अगर आप में से एक डाला हुआ है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा। लेकिन क्यों स्लो करेगा, ये दो तरीका होता है, एक ओपन गेट रख के हम तुमको कहते हैं पब्लिक को अंदर आने दो, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी डाटा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब पब्लिक जल्दी जल्दी अंदर आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम चेक करने वाला लगा दें तो क्या होगा, हर आदमी का चेकिंग होगा, तो फिर थोड़ा सा टाइम कंजप्शन तो होगा। तो एंटीवायरस थोड़ा सा आपके कंप्यूटर को स्लो जरूर करता है, लेकिन उसकी वजह से जो फ्यूचर में पूरा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा वो तो नहीं होगा ना। तो ठीक है, देर से क्या कहते हैं, दुर्घटना से देरी भली, वही बात है, एंटीवायरस लगाना जरूर चाहिए। थोड़ा सा स्लो होता ही है तो क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसको स्कैन करेगा एवरी टाइम। जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डैट इज गोन थ्रू द एंटीवायरस। अब वो एंटीवायरस के होके ही गुजरेगा और तभी जाएगा वो तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम के पास, मतलब सीपीयू के पास। और जब तक, एक चीज और याद रखना, जब तक कोई वायरस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस ना हो जाए तब तक वो कुछ कर नहीं सकता है। किसी बात दिमाग से एक चीज निकाल देना कि कभी भी वायरस से तुम्हारा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं खराब हो सकता है, हार्डवेयर कभी नहीं खराब हो सकता है। तो आई थिंक बेसिकली आपको समझ में आ गया हो गया व्हाट इज वायरस। तो आप इसको लिखिए और मेरे बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी बोला हूँ बहुत छोटा करके कोशिश किया हूँ बोलने का। अदरवाइज बाबू इसमें जितना वायरस देखे हो ना, अभी हम तुमको 10 को या 11 को जो लिखे हैं, वो हर एक पर 2 पेज का नोट्स लिखा जा सकता है, इतना बड़ा है सब। तो लेकिन तुमको उसमें नहीं जाना है, तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना, व्हाट इज वायरस, ठीक है, व्हाट इज वायरस एंड प्रिवेंशन टेक्निक ऑफ द वायरस। और उसी में लिख देना है आपको एक और टॉपिक, व्हाट इज एंटीवायरस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर इसका नोट्स बना लेना, ठीक है।